लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साउंड ऑफ व्लॉग। क्या बोला तूने? आर होता है, वेलकम बैक टू आर चैनल। ये हमारे भाई लोगों का चैनल है, समझ नहीं आता है, कितनी बार सिखाया, दोबारा बोलो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल साउंड ऑफ व्लॉगर। सो आज हम लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। सो आज हम करेंगे गुफ्तगु। बहुत तेज हो रहा है, बहुत इनके साथ, मेरे साथ। Yes. आप लोग सोच रहे होगे हर बार मैं ही लेके आता हूँ ये चैनल, लेकिन आज ये क्यों लेके आई है, यही सोच रहे होगे ना आप लोग। तो इसलिए लेके आई क्योंकि आज ये करने वाली है गुफ्तगू मेरे साथ। तो इसलिए मैंने बोला चलो आज, मैंने नहीं, इसी ने बोला, इसी ने बोला कि मुझे जिद कर रही थी कि मुझे दो मैं करूंगी आज स्टार्ट, ओपनिंग मैं करने वाली हूँ। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है, तो ये कर। फिर मैंने इसको बहुत समझाया कि वेलकम टू आर चैनल, हमने बहुत प्रैक्टिस करी बैक स्टेज में कि हमें कैसे स्टार्टिंग करनी होती है। तो बाकी इसने अभी भी गलत बोला, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। तो आपको पता चल चुका है हम क्या क्यों आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं अपने एक नए टॉपिक को लेके, अपने एक नए कंटेंट को लेके जो कि है गुफ्तगू। तो आज से हम ये शुरू करने वाले हैं जिसमें हम अपनी सीक्रेट चीजें बातें करने वाले हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है हमारे बारे में, मेरे बारे में और जो भी दुनिया में चल रहा है। तो अब ये हम एक नई चीज लेके आ चुके हैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एंटरटेन रहे, आप लोग मजे से घूमे फिरे और आपको सब कुछ पता हो। वीडियो देखे और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल मत करना, भूलिएगा आप लोग। नहीं करना नहीं, मतलब भूलना मत करना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या था हमारा टॉपिक वगैरह सब आपको ये बताने वाली अभी, तो चलिए बताइए। ऐसे कोई मेन टॉपिक नहीं है, वी कैन आस्क एनीथिंग और इनको आंसर करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? ओके, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। तो दोस्तों आप सब लोग मुझे जानते हो साउंड ऑफ व्लॉगर के नाम से, तो आज मेरा असली नाम भी जान लो। मेरा असली नाम है रोहित कुमार, म्यूजिक है मेरा नाम, रोहित चौधरी भी बोल सकते हैं आप लोग। साउंड ऑफ व्लॉगर मैंने अपना नाम रखा था यूट्यूब का, जो कि काफी, तो आज मेरे 1600 समथिंग फॉलोअर्स हो चुके हैं यूट्यूबर पे। चलिए आगे पूछिए, आप जो पूछना चाहती है आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस, हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ताकि, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को छोटी वीडियो पसंद है एंड बड़ी वीडियो से आप बोर हो जाते हैं। तो जल्दी से हम अब स्टार्ट करते हैं इस ड्रिल को जो भी होने वाला है यहाँ पे गुफ्तगू, एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहले मुझे ये बता, तूने ये साउंड ऑफ व्लॉगर नाम कहाँ से सोचा, मतलब क्या सोच के तूने ये रखा? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो गाइस, आज से एक डेढ़ साल पहले की बात है, जब मैं सिर्फ घर पे बैठ के एक यूट्यूब देखता था, लोगों की वीडियोस देखता था, तो एक चैनल होता था जिसका नाम होता था साउंड ऑफ नेचर। तो उस वीडियो में ना काफी अच्छी चीजें मुझे देखने को मिलती थी, लाइक नेचर से जुड़ी हुई, बंदा कैंपिंग कर रहा होता था और बहुत मजा आता था। मैं पूरी रात भर काम करता था और मैं वो कैंपिंग वाली वीडियोस ऑन करके दिखता रहता था। तो वहीं से मुझे जो नाम था ना साउंड ऑफ नेचर, वो मुझे काफी बढ़िया लगा था और मैंने सोचा कि अब मैं कोई चैनल बनाऊंगा तो उसी पे नाम रखने वाला हूँ। तो उसको देख के मैंने अपने चैनल का नाम रखा साउंड ऑफ व्लॉगर। साउंड मतलब मेरी साउंड आवाज और व्लॉगर तो मैं हुई, तो साउंड ऑफ व्लॉगर एक काफी अच्छा नाम मुझे लगा और मैंने वो रख दिया बिना सोचे। ओके, चलो ये तो आपने जान लिया। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कमेंट में बताना लेकिन आपको ये कैसा लगा नाम, अगर अच्छा लगा तो प्लीज बताना, थम्स अप भेजना, अगर नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन भेजना। चलो तो हम चेंज करने की सोचेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, यस, तेरी आज तक टोटल गर्लफ्रेंड कितनी रही है? टोटल गर्लफ्रेंड, हाँ, वैसे तो ये कभी सीक्रेट बताता नहीं है, बट आज तो तुझे बताना पड़ेगा भाई, जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है, बता। तो चलो भाइयों, अगर आप लोग ऐसा है, ऐसे जानना चाह रहे हो तो मैं सच बता ही देता हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है, मतलब आपके सामने भी ये झूठ बोल रहा है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। देखो भाई, मुझे आज तक गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, क्या गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा मैं, जब मेरे पास आप जैसी इतनी प्यारी प्यारी जनता है जो मेरा सपोर्ट करती है और मेरे चैनल को इतनी आगे लाने में मदद करी है आप लोगों ने, यार मैं क्यों बनाऊं गर्लफ्रेंड, क्यों चाहिए मुझे गर्लफ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तू रात रात को 2 बजे तक 2-3 बजे तक गाइस ये फोन पे लगा रहता है। गाइस मैं काम करता हूँ, मैं रात भर काम करता हूँ, ये फोन पे काम नहीं होता गाइस, अगर वो कर रहा है तो लैपटॉप पे करेगा। मैं लैपटॉप पे रात को, रात के 2-3 बजे तक काम कर रहा हूं, आई हैव कॉल रिकॉर्डिंग, मेरे पास साइड में पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग है भाई मेरे पास, कब मैंने कर ली थी,
अब दिखा तू रात के दो नहीं तो अब भी दिखा अभी दिखाते हो और मेरे पास सबूत है कॉल रिकॉर्डिंग तो कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बात दिखा जो सबूत कर कोई बात नहीं बट रात के दो बजे तो बात कर रहे ना किसी लड़की से उसको कैसे पता कि वो लड़की की लड़का कुछ भी कुछ भी मतलब इसको पता नहीं है बाद में किससे करो भाई लड़का नहीं हो सकता भाई लोग लड़के से भी बात कर सकते हैं रात को सिर्फ लड़की से ही नहीं करते लड़कों से भी करते हैं एग्री करते हो नीचे थम्स अप करना मत भूलना कमेंट में प्लीज आप सच का साथ दीजिएगा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है तेरा कभी भी किसी टीचर पे मतलब क्रश आया है लाइक तुमको लगा हो कि हाँ भाई ये बहुत सुंदर है सुंदर मतलब क्रश सुंदर ना मतलब गर्लफ्रेंड बनाना ये तो नहीं ये वाला नहीं ना मतलब दोनों ही समझ मेरे गर्लफ्रेंड आने का किसी ऐसा लग नहीं आया बस क्रश आया कि हाँ ये अच्छी टीचर लगती भाई सुंदर कौन सी टीचर थी उनका नाम था अमूल्या वो थी क्लास फिफ्थ में नहीं सॉरी ज्यादा ही कम कर दिया मैंने पता नहीं नाइन्थ के टेंथ में थी तो बहुत अच्छी लगती थी हमें तो मतलब उसके बाद कोई मतलब टेंथ में कोई टीचर ही पसंद नहीं आई तुझे वो तो अभी तक तेरे को कोई टीचर ही पसंद नहीं आया कॉलेज में भी नहीं सब अंकल आंटी आंटी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत बहुत ज्यादा चल चल पूछ आगे पूछो क्या गजब बेइज्जती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पापा जी के पर्स से तूने कितनी बार पैसे चुराए हैं बताओ सच बताइयो इस बार पापा जी दो क्वेश्चन तो झूठ बोला है इसमें नहीं मैंने पापा जी के पर्स से तो पैसे नहीं चुराए हैं चुरा लिए होंगे तूने तो चुराए थे ये बचपन में मेरे को बोलती थी कि तू चुरा मैं वहां खड़े देख रही हूँ कोई याद तो नहीं रहा फिर मैं लेके आता था फिर मुझसे पैसा छीन लेती थी और फिर उसका किंडर जॉय खरीदती थी पैसा ही पैसा हो गया खुद चुराता था और खुद ही अपना जाता था मैं तो बच्चा था मेरे पास दिमाग भी नहीं था इसने मुझे बोला था कि पैसे चुराओ अब तो मैं तो चुराता भी नहीं मानता हूँ यही कमेंट करके किसकी शक्ल पे लिखा हुआ है चोर है ये है यही है चल नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ तूने ये भी झूठ बोला तू ये बता नेक्स्ट क्वेश्चन तूने लास्ट मम्मी से क्या झूठ बोला है ऐसा क्या झूठ बोला है क्या बोला झूठ मैंने झूठ वो बता जो झूठ तूने बोला है झूठ तो मैंने क्या बोला होगा यार कुछ याद ही नहीं आ रहा अभी मुझे लास्ट बार झूठ मैंने कब बोला है हाँ किस चीज को मैंने झूठ बोला है कि मम्मी पूछती है बेटा खाना खा लिया घर का खाना खाया ना मैंने हाँ लेकिन उन्होंने बाहर का खाना खाया होता था मंगा के और हम जो भी मंगाते थे उसको हम जो भी उसका रैपर वगैरह होता था एकदम उसे रोल वोल करके पिज्जा का जो इतना बड़ा वो आता है ना हमारा कटआउट उसको पूरा रोल वोल करके एकदम इतना सा बना देते थे और तब जाके उसे डस्टबिन में फेंकते हैं ताकि मम्मी को दिखे ना जब मम्मी देखे डस्टबिन में बड़ा हरामी हो बेटा तो ये एक झूठ बोला है मैंने ये तो इसने भी बोला है ये तो हम हर बार रोज बोलते हैं इतना भी सच मत बोल मम्मी भी देख रही है सॉरी नहीं बोल नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन तू वॉशरूम में दो दो घंटे क्या करता है बेसिकली एक घंटा मान के चलो ये तो तू करती है मैं तो करता मैं तो नहीं हर चीज ये मेरे ऊपर डालता है गाइस तो आप ना एक घंटा तो मैं कभी गया ही नहीं आधा घंटा मैक्सिमम मैंने आधा घंटा दिया होगा क्या कर रहा था फोन चला रहा होगा और क्या कर रहा हूँ फोन में ऐसा क्या देख रहा था वॉशरूम में बैठ फोन में बैठ के भी मैं वॉशरूम में फोन में बैठ नहीं मतलब मैं वॉशरूम में बैठ के भी फोन में काम कर रहा होता हूँ गाइस आई एम वेरी बिजी बहुत सारे कंटेंट चल रहे होते हैं मेरे दिमाग में उसको मैं नोट डाउन करता हूँ उसको मैं एडिटिंग करता हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोग वीडियो देख पाते हो तब जाके इसको क्या है इसने आज भी जो बनाया ना सब मैंने बनाया ये बस बोल रही है अभी आके मुझे बोलती है वीडियो बनानी है अभी बोलती है कि कुछ इसके पास था ही नहीं मैंने कुछ लिख तो ले तभी जाके बोलेगी ना अभी फिर बोलती पॉज कर पॉज कर पॉज कर मेरे को भी सोचो क्या बोल रहा होगा ये तो झूठी पे झूठ बोले जा रहे हैं ये झूठ बोल रही है एक घंटा ये रहते हैं और चला नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये तूने प्रपोज तो किया ही होगा किसको कभी मतलब गर्लफ्रेंड को या मतलब किसी लड़की को गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं किसी लड़की को प्रपोज किया है दिमाग नाम की चीज नहीं है प्रपोज किया है या नहीं किसको लड़के को लड़की को ही करेगा ना और किसको करेगा नहीं किया मैंने तो दोस्ती करते थे मेरे लिए दोस्ती जाके प्रपोज करते थे और वही रिजेक्ट हो जाते थे गाइस कमेंट करिए किसके पास ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त के लिए प्रपोज करने जाते हैं अरे सबके पास होते हैं
क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं ना. यस. तो आज आपने अपने साउंड ऑफ ब्लॉगर के बारे में कुछ तो जाना ही होगा कि वो झूठ बहुत बोलते हैं और सच तो बताते नहीं है. तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको जो बताया सच बताया है और आप अभी भी देख सकते हो मैं काम ही कर रहा हूँ. एंड मैंने इसके लिए टाइम निकाला ताकि इसको वीडियो बनाना था इस चीज के ऊपर और ये एक नया टॉपिक जो लाए हैं हम उसी ने हमें सजेस्ट किया था तभी हम लेके आए हैं. और आई होप आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा और आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना और मजे आएंगे आप सबको. और अभी हम लाने वाले कंटेंट वीडियो देखना बिकॉज पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको स्टार्टिंग में बोलना था बाबा चोरी के पीछे का एंड में नहीं बोलते पूरी वीडियो देखना. दिमाग ही नहीं है इसमें. चलो ठीक है अब हम इजाजत लेते हैं आपसे. गुफ्तगू यहाँ ही होती है खत्म. आगे हम न्यू गुफ्तगू के साथ आएंगे फिर से. मिलते हैं नई वीडियो में एंटरटेन करने नई गुफ्तगू के साथ. यस. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट. और झूठ मत बोलिए. बाय बाय. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.